हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को किस लिए और क्यों डिस्ट्रॉय किया था। तो बेसिकली हिस्ट्री शुरू होती है नालंदा यूनिवर्सिटी से, जो नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमार गुप्त, जो कि गुप्ता रूलर थे, उन्होंने 5th सेंचुरी में बनाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो दोस्तों, कहानी तब शुरू होती है जब 2006 में भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की नज़र पड़ी इस यूनिवर्सिटी में। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जो एक टाइम में भारत का गौरव हुआ करता था, उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी बख्तियार खिलजी की कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस वीडियो में हम नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री और किस लिए नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इस वीडियो में हम इन चीज़ों की आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, 5th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक नालंदा यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। मान लो आज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज या फिर MIT या फिर इवन IITs, उससे भी नालंदा यूनिवर्सिटी को बड़ा माना जाता था। और ये कोई एजम्पशन नहीं है, ये फैक्ट के बेसिस में मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मदत्त जैसे स्कॉलर, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर, ह्यूएन सांग जो कि चाइना से आए थे पढ़ने के लिए, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स और लोग यहाँ से ज्ञान लेकर जाते थे। आज हमारी मोबाइल्स में कहीं ना कहीं चाइनीज़ कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, चाइना से इम्पोर्टेड, जो हम इम्पोर्टेंट सामान अपनी एक्सेसरीज़ में फिट करके और फिर उसे बेचते थे। और इमेजिन करो, आज से 1500 ईयर्स पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में चाइना के लोग पढ़ने आते थे, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि इंडिया को उस टाइम में सोने का चिड़िया कहा जाता था। तो एक्चुअली नालंदा है कहाँ? अगर आप बिहार से हो या फिर बिहार से रिलेटेड एरियाज के आसपास एरियाज से हो तो आपको पता होगा, क्योंकि आप कभी ना कभी उस जगह के बारे में ज़्यादातर सुने होंगे। पर अगर आप दूसरी जगह से हो तो नालंदा एक प्लेस है जो कि राजगीर का उपनगर है। तो अगर आप राजगीर से पटना जाते हो या फिर पटना से राजगीर आते हैं तो बीच में नालंदा पड़ता है। तो यानी कि पटना या फिर पाटलिपुत्र, जो कि इंडिया का कैपिटल था ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स तक, तो नालंदा यूनिवर्सिटी वहीं कहीं पाया जाता है या फिर उसकी लोकेशन वहाँ पे सिचुएटेड है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी उस टाइम में कि कोरिया से, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, यहाँ इनफैक्ट इंडोनेशिया, श्रीलंका, पारसी जो कि आज का ईरान है, तुर्की, ग्रीस से भी लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से नहीं थी, पर फिर भी ऑक्सफोर्ड, MIT, जैसे कि मैंने कहा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी बहुत पुरानी थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और नालंदा यूनिवर्सिटी की खास बात ये थी कि इस यूनिवर्सिटी में उस टाइम में भी नॉलेज एम्पावरमेंट था। तो आज हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, तो आज की जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश मॉडल्स पर बेस्ड है। पर आपको क्या ये पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज़्म और वैदिक नॉलेज दोनों पढ़ाया जाता था? तो बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म या फिर रिलीजन पे कोई रोक टोक नहीं था, जो मन करो वो पढ़ सकते थे। हम नालंदा यूनिवर्सिटी तो इतनी प्रोमिनेंट और इतनी पॉपुलर थी नालंदा यूनिवर्सिटी की टीचिंग। वो कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 3 डिफरेंट टाइप्स की लाइब्रेरी थी। जो पहली टाइप की लाइब्रेरी थी उसे रत्ना धड़ी कहा जाता था, जो दूसरी लाइब्रेरी थी वो रत्ना सागर कहा जाता था, और तीसरी जो लाइब्रेरी उसे रत्ना रंजक कहा जाता था। और लाइब्रेरी में टोटल 9 फ्लोर्स थे, तो कितना भव्य होगा लाइब्रेरी आप सोच लो। कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में लगभग 50 लाख बुक्स थी जब नालंदा यूनिवर्सिटी पीक में था, और उन्हें इस तरह अरेंज किया जाता था कि कन्फ्यूज़न नहीं होता था कि, और अगर आप किसी कोई सा भी बुक
कहीं से भी ढूंढना चाहो तो आपको मिल जाती थी। तो इतना सिस्टमेटिक था नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में अथर्ववेद भी पढ़ाया जाता था। यूएन संघ जो कि जिन्होंने 630 से 642 एडी में, जो कि हर्षवर्धन टाइम में आए थे, उन्होंने काफ़ी नालंदा यूनिवर्सिटी को पॉपुलर बनाया था। और उनके बुक्स के द्वारा ही हमें पता चलता है नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सो पॉपुलर एंड सो ग्रेट। और कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को 3 times अटैक किया गया था, 2 times एंशंट हिस्ट्री यानी कि 1000 एडी से पहले, और लास्ट टाइम जब भक्तियार खिलजी ने 1199 एडी में अटैक किया तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय ही कर दिया नालंदा यूनिवर्सिटी को। नालंदा यूनिवर्सिटी में लगभग 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और लगभग 1500 टीचर्स थे कुल मिलाकर। तो समझ लो कि कितना बड़ा होगा नालंदा यूनिवर्सिटी। और इस कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के चौकीदारों को भी की नॉलेज भी बहुत नॉर्मल लोगों की नॉलेज से बहुत एडवांस थी। और अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते थे उस टाइम, नालंदा यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम सेपरेटली होती थी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फ्री स्टडी मिलता था। यानी कि आपको कोई जितना वर्ष भी आप पढ़ लो, उसके बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल जितना भी पढ़ना चाहो, आपको फ्री स्टडी मिलती थी। और आप एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद आपकी फ़ीस नहीं लगती थी। तो जैसे कि आपको पता था कि दिल्ली में जो हिंदू डायनेस्टी की जो रूल थी, वो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद जब मोहम्मद गोरी ने उन्हें इन्वेड कर लेते हैं तो मुस्लिम इन्वेजन शुरू हो जाती है। फिर आता है मामलूक डायनेस्टी, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, और फिर आता है खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, और फिर मुगल्स आते हैं। पर जो स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी के बाद जो खिलजी डायनेस्टी आती थी, वहीं के एक रूलर थे भक्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो भक्तियार खिलजी एक्चुअली टर्की से थे, तो टर्की के जगह पे लोकेटेड है। तो अगर आप इंडिया से पाकिस्तान बाय लैंड जाते हो, फिर ईरान क्रॉस करते हो, तो आपको टर्की मिलता है। टर्की एक्चुअली आज की जो टुडेज डेट में टर्की एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। और टर्की में एक बहुत पॉपुलर एम्पायर भी था, जो ओटोमन एम्पायर का साम्राज्य हुआ करता था, जो आपने कभी ना कभी अपनी तैयारी के दौरान कभी ना कभी सुना होगा। तो भक्तियार खिलजी टर्की की जो बॉर्डर्स से क्रॉस करते हुए ईरान, फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया आते हैं और दिल्ली में रूल करते हैं खिलजी डायनेस्टी में। तो क्या होता है कि कहानी तब शुरू होती है जब भक्तियार खिलजी एक दिन बीमार पड़ जाते हैं, तो उनका इलाज कहीं नहीं हो पाता है। तो कोई कहता है कि भक्तियार खिलजी जो बीमार पड़े हैं, उनका इलाज नालंदा यूनिवर्सिटी के गुरु आचार्य राहुल श्रीवद्रा, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है आप याद रखना, आचार्य राहुल श्रीवद्रा जी ही नालंदा यूनिवर्सिटी में जो नालंदा यूनिवर्सिटी का टीचर थे, आचार्य थे, वही उन्हें ठीक कर पाएंगे। तो वही कहा गया कि द गुप्ता रूलर्स ओवरसॉ द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द 5th and 6th centuries। इट फ्लरिश्ड अंडर द एम्पायर हर्षवर्धन इन द 7th century। भक्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1202, कोई कहता है 1199, यानी कि 1200 के आसपास मोहम्मद भक्तियार खिलजी, ही वॉज अ टर्किक इन्वेडर। फिर भक्तियार खिलजी हु हैड टेकन सम बुद्धिस्ट रूल एरियाज इन नॉर्थ इंडिया एट दैट टाइम बिकेम वेरी इल। ही वॉज देन एडवाइज बाई समवन टू सीक ट्रीटमेंट फ्रॉम आचार्य राहुल श्रीवद्रा, हेड ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी आयुर्वेदा डिपार्टमेंट। खिलजी वॉज एन रेडी फॉर दिस। तो उन्हें एडवाइस किया जाता है कि आचार्य राहुल श्रीवद्रा जी द्वारा ट्रीटमेंट ले ताकि वो ठीक हो जाए। तो टू सेव हिज लाइफ ही कॉल्ड आचार्य राहुल श्रीवद्रा फ्रॉम नालंदा। तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं जाते और इनफैक्ट आचार्य राहुल श्रीवद्रा को बुलाते हैं दिल्ली फ्रॉम आयुर्वेदा सेक्शन। भक्तियार खिलजी देन मेड अ बिजार कंडीशन फॉर वैद्यराज, स्टेटिंग दैट ही वुड नॉट अलाउ हिम टू गिव एनी मेडिसिन। यानी कि आप मुझे ठीक करो पर मेडिसिन मत देना, बिना मेडिसिन की कैसे ठीक करो, और अगर आप मुझे ठीक नहीं कर पाते हो तो मैं आपको मरवा दूंगा। किसे? आचार्य राहुल श्रीवद्र जी को। तो ये बात सुनकर आचार्य श्रीवद्र जी डर जाते हैं। तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू ट्रीट इट विथ मेडिकेशन। वैद्यराज थॉट ऑफ दिस एंड एक्सेप्टेड हिज कंडीशन। ही ब्रॉट अ कुरान टू खिलजी एंड टोल्ड हिम दैट ही नीडेड टू रीड एवरी पेज। आफ्टर रीडिंग दिस पेजेस यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इलनेस। तो
तो कुरान की एक किताब लेकर खिलजी को आचार्य राहुल श्रीवद्र जी देते हैं और कहते हैं कि रोज़ कुछ पन्ने पढ़ लो ताकि तुम ठीक हो जाओ। तो कुरान के पन्ने पर एक लेप लगा दिया देते हैं और जो वो थूक द्वारा खिलजी जब वो पन्ना पढ़ता है तो वो पन्ना को मुंह में लेकर जाता है और दवाई मुंह के अंदर चली जाती है। कुछ दिनों बाद खिलजी रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो वही कहा गया है कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू ट्रीट इट विथ मेडिकेशन। वैद्यराज थॉट ऑफ दिस एंड एक्सेप्टेड हिज कंडीशन। ही बॉट अ कुरान टू खिलजी एंड टोल्ड हिम दैट ही नीडेड टू रीड एवरी पेज। आफ्टर रीडिंग दिस पेजेस यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इलनेस। भक्तियार खिलजी वॉज क्योर्ड, ठीक हो जाते हैं व्हेन वैद्यराज रेड द कुरान। राहुल श्रीवद्रा मे हैव सॉट मेडिसिन फ्रॉम सम कुरान पेजेस। ही बिगैन टू रीड द कुरान पेज एंड कंटिन्यू टू रिकवर। आफ्टर हिज रिकवरी खिलजी वॉज स्टंड, वो अचंभित हो जाते कि इतना टैलेंट नालंदा यूनिवर्सिटी में कैसे है। दैट एन इंडियन स्कॉलर एंड टीचर हैड मोर इन्फॉर्मेशन देन हिज कंट्रीमैन एंड प्रिंसेस। ही देन डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय आयुर्वेदा एंड बुद्धिज्म रूट्स। खिलजी देन सेट फायर टू नालंदा ग्रेट लाइब्रेरी एंड डिस्ट्रॉयड अराउंड 9 लाख। इतने जीरो से काउंट नहीं हो रहे, 9 लाख नहीं है, 6 जीरो से, यानी कि 90 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो इतने सारे बुक चला देते हैं। कहा जाता है कि 3 मंथ्स तक ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो कंटिन्यूसली जलता है। तो कोई कहता है 1199 एडी में बर्न कर दिया गया, कोई कहता है 1202 एडी में। तो एग्जैक्ट डेट तो किसी को पता नहीं है, पर लगभग 1200 एडी के आसपास, यानी कि आज से लगभग 1000 ईयर्स पहले, नालंदा यूनिवर्सिटी को भक्तियार खिलजी द्वारा पूरी तरह जला दिया जाता है। उन वहाँ जितने भी प्रिस्ट से थे, जितने भी साधु थे, जितने भी टीचर्स थे, उन्हें पूरी तरह मार दिया जाता है। कोई कुछ कुछ साधु टिबेट चले जाते हैं और इस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी की कुछ कुछ हेरिटेजेस कंजर्व या फिर सेव कर दी जाती है। खिलजी बाद में अली मर्दन द्वारा उन्हें मार दिया जाता है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। वो बहुत बाद की कहानी है। तो बेसिकली हॉस्टल फैसिलिटी थी, ह्यून सांग आए थे, राजगीर और पटना के बीच में नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड था, ब्रह्मदत्त जैसे स्कॉलर पढ़े थे, भक्तियार खिलजी टर्की से आए थे। 3 मंथ्स तक जलता है। उनका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन भक्तियार खिलजी था। राजगीर का उपनगर था, अथर्ववेद पढ़ाया जाता था। कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत से लोग आते थे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, MIT से लोग किसे कंपेयर किया जाता है। 4th to 11th century उसकी लाइफ थी। बुद्धिज़्म, वैदिक नॉलेज पढ़ाया जाता है। आचार्य राहुल श्रीवद्रा कुरान पुस्तकालय रत्नासागर रत्नारंजक 9 फ्लोर थे, 50 लाख बुक्स थे, 3 बार अटैक किया जाता है, और फिर 10,000 स्टूडेंट्स थे। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री बहुत ही रिच था। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी जल भी गई तो क्या हुआ, हम लोगों के यादों में तो हमेशा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यही थी नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री। और मेरी एक अपनी भी YouTube चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।